चलें फिर ऐसे ही साढ़े सात हो गए यार। कैसे हाल में तुम? मैं धो धो के मारूंगा मैं अपने, मतलब क्या होगा सोचो जरा। चलो ज्यादा हीरो बन गया यार सामने। और तो क्या, तो अंकित चल रहा है? मुझे नहीं चल रहा है अंकित, चल रहा है। हम जा रहे हैं आज बिजलगोट। बिजलगोट तुम्हें पता भी है गोयल जी के बारे में? थोड़ा बहुत भी नहीं पता। तुम बताओगे? तुम बताओगे सब चीज़, मैं ही बताऊँ। ट्रैवल गाइड तुम ही हो? ट्रैवल गाइड, ट्रैवल गाइड प्लस एंकर प्लस ड्राइवर प्लस और बताओ कैमरा मैन भी बना देंगे ना। चलो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस फिलहाल आज का हमारा जो टूर है वो है मोहनकाल जा रहे हैं हम। वहाँ पे काफ़ी मतलब प्राचीन मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। और चलिए आगे व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली कुछ दूर आने के बाद हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिला है और आप लोगों को भी दिखाते हैं गाइस यहाँ पे व्यू कैसा आ रहा है। तो क्या ज़बरदस्त व्यू है, सनराइज़ का व्यू है गाइस। मॉर्निंग के करीबन अभी 9 बज रहे हैं और देख सकते हैं गाइस कितना ओपन एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। हिमालय सामने दिख रहा हूँ, ऐसे वीडियो में तक लेट नहीं दिख रहा हूँ बट यहाँ से जबरदस्त दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। ओहो जबरदस्त व्यू गाइस, जबरदस्त व्यू, पैसे वसूल। हम पहुंच चुके हैं भोनकाल और यहाँ हो चुकी है ठंड से हमारी हालत खराब और काफ़ी ठंड लग रही है। तो तब तक हमने अभी दिया चाय का ऑर्डर और चाय बन रही है, तब तक सेक लेते हैं धूप। और काफ़ी आगे अच्छा हमारा एक हिमालय का व्यू हम यहाँ से देख सकते हैं बट आई थिंक मुझे लगता है कि कैमरे में वो व्यू अच्छा आएगा। देख सकते हो पीछे हिमालय है हमारे, आई थिंक पीछे 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 यहाँ पे ड्राइवर साहब यहाँ पे हमारे खा रहे हैं छोले अकेले अकेले। अरे हमारे छोले मालिक मालिक, अरे मालिक आप भी खाओ ना, खाएंगे खाएंगे। हो गया कैलाश मानी, कैलाश मानी हो गई है। कैसा हो रहा बगर भूख में? तो चार दिन की बासी रोटी भी अच्छी लगती है। तुम फूड व्लॉग भी बना दो अपना। मैं कहता रहा हूँ भूख में तो चार दिन की बासी रोटी भी अच्छी लगती है। आज जाने में कब भी छूट रही है। तुम हो गए बुढ़े, अब मैं हूँ अभी जवान, बात है साहब ठीक है ना। तुम्हारा बड़ा फल दिख रहा है साहब, किसने बोला घर से हीरो बन क्या हो? क्या पता, हेलमेट ग्लव्स सब चीज अपने साथ है, ड्राइवर आदमी है क्या करें। सही है सही है, डायरेक्टर साहब ऐसे आगे घर से। फिलहाल गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली गुजरकोट के रास्ते में और जैसे यहाँ से बात की तो गाइस यहाँ से जो ये हाईवे देख सकते हैं आप और यहाँ पर से अब रास्ता हमारा कन्वर्ट हो चुका है अपर साइड के लिए, यहाँ से अलग रोड जा रही है अपर को। तो पहले गाइस ये रोड थी नहीं, आई थिंक बाद में अभी बनी है हाल में, मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पर। अप्रॉक्स 7-8 साल या 10 साल करीबन हो गए होंगे यहाँ आए हुए मुझे। और जैसे कि देख सकते हैं व्यू और मौसम काफ़ी अच्छा है आज का, हिमालय भी यहाँ पे से क्लियरली दिख रहा है। अभी जैसे हम भोनकाल रुके थे उससे पहले भी चाय और छोले नाश्ता और थोड़ा हाथ पाँव गर्म करें क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है इधर। काफ़ी अच्छा हाई पीक एरिया कह सकते हैं इसे, जहाँ की काफ़ी अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। गर्मियों में भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्वेटर पहनते हैं लोग। तो चलिए गाइस यहाँ पर से अब ऊपर चलते हैं। और मेरा विचार था कि अगर यहाँ पर से गाड़ी नहीं जाती तो वो बेटर था हम ट्रैक करते ऊपर जाते, बट अभी गाड़ी का ऑप्शन है, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जा सकती है यहाँ पे और उससे आगे फिर अगर ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है ट्रैक करने का तो वहाँ भी जाएंगे। तो अरुण जी क्या इतना ठंडा लग रहा है आपको? फिर देखिए अभी तक आपने कैलाश वाणी सुनी, अब अरुण वाणी सुनिए। देखिए मैं भी यहाँ पहले भी आ चुका हूँ एक दो बार, लेकिन मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ आया था लास्ट टाइम और बहुत अच्छा था। और अभी देखते लेट्स सी, आपको भी दिखाते कि कैसा है ऊपर और किस तरह से हम लोग ये रास्ते से जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चलो लेट्स सी, लेट्स गो। चलते हैं गाइस, चलिए
लेट्स गेट सेट गो। रास्ता गाइस यहाँ पे उबड़ खाबड़ आप देखते हैं पूरा एकदम, तो ऐसा नहीं है। और इनके साथ एक बेहतर ड्राइवर आया है इसलिए इस पे गाड़ी चढ़ा पा रहा है, वरना ये नीचे वाला आदमी तो ऐसे ही है बस खाली बैठ के मजे लेने वाले होते हैं। हाँ तो मैं गिर गया भाई। अरे भाई 1 2 3 गाड़ी फंसवा दिए हो। बड़े बड़े पत्थर, डर गया मैं, मुझे लगता है रोक देते गाड़ी। अरे ना रे तुम बस पैर नीचे रखना। दोस्तों गुदरकोट का मजा आता हो, व्हाट अ ट्रैकिंग रूम मैन। और देखिए ये तो होंडा साइन का कमाल है, डैम है होंडा साइन वाले। तो 80-80 किलो तो बैनों को लेकर चल जा रही हूँ। देखिए जी बड़ी बड़ी BMW है ना, Kawasaki XYZ बाइक्स, जो बड़ी बड़ी हैवी बाइक्स हैं उनसे आपने ऑफ रोडिंग की होगी। अभी होंडा साइन 6 साल पुरानी बाइक से ऑफ रोडिंग गई, आज हो रही है ऑफ रोडिंग, ठीक है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। पीछे वाला आदमी तो डर के बिल्कुल सिमट के बैठा है जी। अरुण जी पैदल चल लेते हैं, नहीं जाएंगे तो इसी पर जाएंगे, इसी पर जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। एक और पड़ाव शुरू होता हुआ मुश्किल। हाथ पकड़ना। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गाइस यहाँ पे, और गाड़ी हमने पार्क कर दी। हेलमेट कौन लेके जा रहा है, कोई नहीं, ले आओ हाथ पे। गॉल होंडा साइन है, देख सकते हैं गाइस काफी अच्छा व्यू है हमारे लिए, मौसम एकदम साफ है। और यहाँ से गाइस देख सकते हैं काफी हाई पीक एरिया है, और जैसे यहाँ पे सब ऊपर मंदिर है तो वहाँ जाना है। चलते हैं गाइस आगे चलते हैं फिर। बट ये रास्ता पर गाइस अभी बनी रोड, आई थिंक जो भी है अभी कच्ची रोड है फिलहाल। और इसके बाद जो जब मैं लास्ट टाइम आया तो उस टाइम पर ये रोड नहीं थी, और पैदल ही काफ़ी लंबा ट्रैक करना पड़ता था। काफ़ी मज़ा आता था वैसे ट्रैक में भी, बट अभी इस टाइम पर आधा रास्ता तो हमारा बाइक से ही हो चुका है फिलहाल, और कुछ ही थोड़ा ही मीटर हमें अभी पैदल चलने को मिलेगा। तो अरुण जी आपको कैसा लग रहा है फिर अभी? देखिए बहुत मज़ा आया, एक्चुअली मैं ही चाहता था कि गाड़ी लेके आऊँ ऊपर को, ये तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई, हिम्मत यू नो, हिम्मत सिंह बन गए तुम, हिम्मत सिंह बन गया मैं आके। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ऐसा। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक तरफ पहाड़ का मौसम है और दूसरी साइड है प्लेन्स का मौसम, तो फिलहाल प्लेन्स में एकदम घनघोर कोहरा टाइप का दिखा सकता है, वहीं पहाड़ों साइड एकदम क्लियर ब्लू स्काई, क्या बोलते हो आप लोग? तो गाइस जो ये जगह है जहाँ पर मंदिर है, बेसिकली पहले एक महल था, मतलब राजा जी जो थे, तो काफ़ी मतलब पुराने जमाने में जो महल होते थे काफ़ी हाई रीच पर बनाए थे, देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है। और अभी मैंने कैमरा पूरा ऊपर कर रखा है, तब जाके आप ऊपर चोटी ऐसी देख सकते हैं। तो अरुण जी चढ़ाई कैसी लग रही है भाई? देख सकते हो गाइस काफी खड़ी चढ़ाई है। देख सकते हो गाइस ये जवान लड़का तेज तेज जा रहा है, ये पीछे डायरेक्टर का, ट्रैक्टर साहब पीछे ही रहेंगे वैसे बता दिया जाए तो। ट्रैक्टर साहब की बस का है नहीं चढ़ना, क्या करें। हाँ तो गाइस देख सकते हैं हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, और क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे से, और कितनी गहरी खाई है ये भी चेकआउट कर सकते हैं सामने, काफ़ी गहरी खाई है यहाँ से, जस्ट यहाँ नीचे का व्यू देख सकते हैं तो बहुत ही तीखी और ढलान है यहाँ पे से। और यहाँ पे से अपना ये रामनगर का एरिया देखा जा सकता है, रामनगर हल्द्वानी काशीपुर का ओपन एरिया प्लेन्स का एरिया।
और जैसे यहाँ पे से हमारी बाइक हो रही पार्क, और ये रहे हमारे अरुण जी। देखिए अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो सोच समझ के आइएगा, हम लोग तो पहाड़ी हैं, किधर भी चले जाते हैं। तो चढ़ाई ढलान का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, सामने जो मंदिर देख सकते हैं रोहित जी का, उसके जस्ट यहाँ पे से जो पहाड़ की तीखी चट्टाने हैं कितनी खड़ी हैं। तो पहले के जो भी मतलब शासक या राजा रहते थे उनके महल देखे होंगे आपने, काफ़ी हाई रेंज एरिया पर रहते हैं, तो आई थिंक इसीलिए ही रहते हैं कि ताकि दुश्मन को दूर से ही देख लिया जाए। हम उस तरफ भी जाएंगे क्या? हाँ सामने भी जाएंगे, उधर ही है वो। तो आई थिंक मैं लास्ट टाइम हाई स्कूल के जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम पे मैं यहाँ आया था, और तब आप कितने साल के थे? तब 16 साल में दिए, 16 साल में 2007-08 में किया था। हम लोग दरबार के बिल्कुल नज़दीक हैं, और फाइनली क्या था हमारे सामने आ चुका मंदिर हमारा, दरबार के लिए चाहे मंदिर के लिए। हाँ महल महल। तो चलते हैं गाइस थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे से देखते हैं व्यू कैसा आ रहा है। तो व्यू जबरदस्त व्यू गाइस, जबरदस्त। तो अल्टीमेट व्यू अगर यहाँ पे से देख सकते हैं कितनी हाई रिच पे हम फिलहाल खड़े, और सामने क्या ही जबरदस्त पहाड़ों का व्यू है, और दोनों साइड यहाँ पे से देखते हैं दोनों साइड हम व्यू कर सकते हैं फिलहाल। और एक साइड हमारा प्लेन्स का एरिया, शहरी एरिया, और दूसरा वहीं कहें तो ये गांव का एरिया, पहाड़ों का एरिया भी कह सकते हैं यहाँ से। और पहाड़ों में मौसम ज़्यादा साफ है एज़ कम्पेयर टू सिटी। गाइस आपको अगर आपको अपना नाम एक बार में दो बार सुनना है, एक बार बोलने पे दो बार सुनना है, तो यहाँ ज़ोर से आवाज़ लगाइए, थोड़ी देर बाद आपका नाम दोबारा सुनाई देगा। शायद कैमरे में ना आए लेकिन आता है, लोग ये देखना चाहते जो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। प्लीज़ हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हाई पीक एरिया पे मंदिर बना है, और काफ़ी अच्छा मंदिर बना है। तो गाइस आपको अभी हम कई और सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिखाएंगे, चीज़ें दिखाएंगे जो कि आई थिंक आप लोगों को पता होगी नहीं होगी। जैसे ये कैक्टस का पौधा है नाग फनी। तो देख सकते हैं कैक्टस पर काफ़ी सारे नाम यहाँ पर लिखे, नाम लिखे हैं, लोगों की मन्नतें हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मन्नतें मांगी, लोग चाहते हैं कि भगवान उनकी मन्नतों को पूरी करे, और हम भी आशा करते हैं कि भगवान उनकी मन्नतों को जरूर पूरा करे। रीज़न और कैक्टस भी गाइस काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है ये, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा कैक्टस है। आई थिंक मैंने इतना बड़ा कैक्टस अभी तक नहीं देखा है, इतना बड़ा, इतना अकॉर्डिंग ये है मतलब अप्रोक्स ये फैला भी हुआ है तो करीबन 10 से 12 फीट में फैला हुआ है, और हाइट भी करीबन 7 फीट या 8 फीट करीबन है इसकी ऊंचाई। तो इनकी कहानी क्या है फिर राजा जी की, कहाँ से शुरू हुई मतलब? अब शुरू तो इतने 1800 कुछ ईस्वी की बात है, 2022 लगने वाला है। तो लोगों को पता होना चाहिए ना, इतनी लंबी कहानी है, अब इतने बुजुर्ग कौन है यहाँ पर। सही बात है, सही बात। फिर हमने भी सुना है, वैसे हम भी गए, जो सुना आप वही बता दीजिए, जो सुना आपने वो बता दीजिए। कैसे शुरू हुई मतलब, कैसे वो किताब, इतने बड़े राजा बने कैसे, लोगों ने उनको पूछना शुरू किया? फिर वो क्या नाम कहते हैं, धर्म आदमी थे वो, लास्ट भाई थे इनके, थे 7 भाई थे, 8वें थे इनके, वो माँ के गर्भ से बाद में पैदा हुए जब वो 7 भाई मर गए। अरे तो उन्होंने बहुत अत्याचार किया यहाँ लोगों को, लूटना वूटना, सातों भाइयों ने। हाँ लूटना इनके पिता, और ये 8वें राजा जी हरू सिंह ही ठहरे। इन्होंने क्या नाम कहते, भोर से अपनी शादी करी, आज क्या नाम कहते हैं ये मालू को, उन्होंने यहाँ वो 7 भाइयों ने यहाँ रौ में डुबा दिया उन्होंने। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हम जो मंदिर और पूजा हमने कर लिया, और जो स्टोरी आपने सुनी वो भी सुन ली है, और इसके बाद चलते हैं गाइस आगे, हमें एक और अच्छी डेस्टिनेशन हमें मतलब ये तो थी, और इसके साथ एक और जगह आपको दिखाते हैं, काफ़ी एंटीक जगह, हो सकता है आपको देख के और अच्छा लगे। उसके फैक्ट और अपने अंग्रेजों के टाइम पर काफ़ी कॉस्टली बना हुआ घर है, 50,000 समथिंग उस टाइम के, उस टाइम का
जब अंग्रेज मतलब जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पर 1947 या 45 आज के हिसाब से लगा तो 50 लाख ही होंगे अप्रोक्स 50 लाख एक करोड़ वो भी इतनी ऊंचाई में और उसकी चिनाई स्पेशली हुई है चूने से वो भी इतनी ऊंचाई में इतनी ऊंचाई में मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है आप पानी कहाँ से लाएंगे।